व्हाट्सअप एवरीबॉडी। सो अभी हम निकल रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं। ऑलराइट, हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो अभी आज तुम हो मेरे चैनल पे तेज वर्ल्ड जैन, और अभी हम आज कुछ नया करेंगे, वार्म करेंगे, इसलिए यहाँ पे आए हैं। सो अभी देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं। और बाय द वे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तो जो जितना हो सके हम उतना मज़ा करेंगे, सारी चीज़ें होगी। और तुम्हें बैकग्राउंड और ये कर्फ्यू आवाज़ करते हैं हमारे ब्लॉक पे, टाइम में समझ में नहीं आता, हंस के देख रहे हैं, मेरे को देख के हंस रहे हो। छोड़ू उसे, चुके वो, अरे यार कितनी गाड़ी आ गई, रुके दो मिनट, ब्लॉक बंद करें। Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Alright, what's up everybody? तो हमारा कुछ काम था यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना व्लॉग ही कर लेते हैं। सो अभी चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ नया जो भी करेंगे बहुत मज़ेदार होगा और अच्छा होगा, बॉम्ब होगा। In my head, know me, call me, I will. So alright guys, so अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है और हम ऐसे ही प्लान नहीं करते। ये आवाज हो रहा है हमारे ब्लॉग के टाइम पे, हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ब्लॉग स्टार्ट कर, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ी आवाज सुननी पड़ेगी। अभी कोई आ नहीं रहा है, तब तक मैं बोल लेता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर मतलब हिल्स पे, और वहाँ पे अगर कुछ हमें अबेंडेंट किसी जगह पे हम घुसने की कोशिश करेंगे। फिर से आवाज़ हो रहा है, फिर से आवाज़। तो अभी चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अभी आगे से चिंगू आ रहा है, चिंगू को लूटते हैं, किसी में 5-10 रुपये हो गए, निकाल लेते हैं। भाई हम आगे नहीं, किधर इधर 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 तू, उसकी आवाज़ बहुत मतलब बचकानी लगी, नहीं तो मैं उसको उठा के लेके जाने वाला था किडनैप करके। तो अभी हमने कुछ प्लेसेस देखे, मतलब यहाँ पे कुछ इतना बॉम्ब नहीं है, सो मतलब यहाँ पे कुछ था, थोड़ा अबेंडेंट था, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था उसमें, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, वैसे हमारा कुछ काम तो नीचे ही था, लेकिन सोचा क्यों ना आ ही गए तो ब्लॉक करके चलते हैं। अभी तुम लोग ले जो सीन देखा, अच्छा सीन है, लेकिन बारिश का मौसम है, अगर मतलब बारिश के मौसम में मतलब अलग अलग मौसम में यहाँ अलग अलग मजे आते हैं। अंदर जाना होगा तो कोई कांड करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो एंट्री नहीं है। अंदर इतना डरावना है और हमें अभी यहाँ अंदर जाना है,
मतलब घुसना अंदर अभी हमें। तो हमने यहाँ पे एक 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 बंगलो करके देखा, लेकिन मतलब जितने भी बड़े बंगलोस है वहाँ पे मतलब घास ज़्यादा है और यहाँ मतलब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है। मतलब जैसे मतलब ब्लॉग देख के दानिश का सब घुसे थे, यहाँ के प्रॉपर्टी वालों ने सब कुछ बढ़ा दिया है। तो अभी हम ये ऐसी ओपन जगह है तो इसके अंदर घुसेंगे चुपचाप से और देखेंगे क्या कर सकते हो क्या नहीं। दिखा दे भाई इनको एक बार। चलते हैं। यहाँ पे तो कोई जगह नहीं लग रही है जाने के लिए, होप की जगह हो। तब तो आ गए हम, जो वहाँ पे जूता देख सकते हो किसी भूत का जूता पड़ा हुआ है। मतलब भूत तो नहीं बोल सकते लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इतने ओपन डेड रूम इतने उजाला में भी है और अभी तक अंदर ठीक से एंटर भी नहीं किया है, फिर भी इतना ज़्यादा फट रही है डूड मैं बोल रहा हूँ। और हमारे पीछे कोई भी नहीं है, एक मेरा दोस्त है वो कैमरा पकड़े हुए और मैं, हम दोनों ही जने। तो इतना हम सब कर रहे हैं, इतना घुस रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए तुम लोग को। तो लाइक तो बनता है वीडियो को। तो भाई तुम देख सकते हो कितनी डेंजर जगह है, यहाँ पे कोई तो ब्लॉक करने आया था हमारे तरह, उसका ट्राइपॉड यहाँ पे गिरा है। मतलब तुम देख सकते हो कितना डेंजर है। तो भाई अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे तो देखते हैं जा सकते हैं या नहीं। दूसरे से मतलब जाके देखा अंदर, तो अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। और हम अगर यहाँ पे ऐसे पतरे लगा के रखे इन लोग ने, अगर हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें पतरे निकालने पड़ेंगे। और अगर हमने पतरे निकाले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी और आवाज़ से मतलब सब ज़रूर बाहर आएंगे और हमारे लग जाएंगे इसलिए। और वहाँ पे एक प्लेस थी, वहाँ पे तुमने देखा जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और अभी यहाँ इस तरफ आओ, दिखा था तुम देख सकते हो यहाँ से जंप करके हम आसानी से एंटर कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से जाएंगे वहाँ से एक ही रास्ता है, वहाँ पे सारी जगह पे पतरा लगा दिया है। और यहाँ से अगर हमें जाना है तो स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। तो स्पाइडरमैन बनने के लिए हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम मकड़ियाँ इतनी जमा कर सकें एक साथ। तो यहाँ से अगर अंदर घुसेंगे तो रास्ता नहीं है डूड, अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। इसलिए अब हम दूसरा बंगलो देखेंगे, और जो मतलब जहाँ पे दानिश ने ब्लॉक किए थे उस बंगले की तरफ भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे मतलब जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब इतनी इतनी दीवारें बना दी है उन लोग ने उधर, तो वहाँ पे जाने के लिए एंटर करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारे पास। और वहाँ पे घास देख रहे हो, इतने लेवल की घास आई है वहाँ पे, इतने इतने लेवल की घास, तो जाना तो नामुमकिन है। सो देखते हैं अभी दूसरा बंगलो। तुमने जैसे कि देखा हमने एंटर करने की बहुत कोशिश की यहाँ से वहाँ से, लेकिन कहीं से भी जगह नहीं है वहाँ पे अंदर एंटर करने के लिए। तो हम इतना मतलब सोच रहे देख रहे भाई यहाँ पे बंगलोस तो है और मतलब बंगलोस तो दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एंटर करने की जगह है वो नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ के मतलब यहाँ पे इतने जन घुस रहे हैं अबेंडन प्लेसेस में, यहाँ के प्रॉपर्टी वाले जो है उन्होंने सील कर दिया ये सब कुछ। तो अभी हम ट्राई करेंगे कोई, हम यहाँ तकरीबन एक घंटे से हैं तो फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं हम कहीं पे एंटर कर सकते हैं क्या। तो चलते हैं और देखते हैं। Things I got flagging the lights.
में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे भी मतलब सील किया हुआ है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ का सबसे बड़ा और बॉम्ब बंगला है डूड, सबसे डेंजर मेंशन यही है। एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलो चलते हैं। रोड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एंट्री करने के लिए जगह ही नहीं है, इतना गंदा इन लोग ने, देखो इतना गंदा इन लोग ने मतलब सील करके रखा है हमारे जैसे आते हैं यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए, इसलिए मतलब इन लोग इतने क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, ना इंसाफी है यार ये, हम इतनी मेहनत करके तुम्हें दिखाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे ये लोग, नहीं क्या है ऐसे इसी बंगलों का अलग एंट्री गेट ढूंढना पड़ेगा, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो भाई जैसे आए वैसे घर पे जाना पड़ेगा, बाकी कर क्या सकते हम। एंट्री यहाँ से मतलब मुझे लगा नीचे से देख के वहाँ पे एक जगह खुली होगी, तो वहाँ पे भी कुछ भी खुला नहीं है, यहाँ पे पूरा इन लोग ने सील कर दिया है और ये सबसे बड़ा बॉम्ब बंगलो है। मैंने तुम्हें अगर दिखाया नहीं तो दिखाऊंगा बाहर का सीन, इतना बॉम्ब है ये। तो भाई तुम लोग ने देखा मतलब इतना हमने कोशिश की एंटर करने की, मुझे नीचे से वहाँ से लगा वहाँ पे मतलब वो दिख रहे हैं वहाँ पे, वही तो एंट्री होगी कहीं तो जाने के लिए अंदर, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ से एक इजी एंट्री थी हमें अंदर जाने के लिए, लेकिन इस बंगलों के हमें पूरा उस साइड जाना पड़ेगा और शायद से हमें वहाँ पे जाने के लिए एंट्री मिल जाए। सो चलते हुए अभी देखते हैं, हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं अंदर जाने के लिए और मेरे साथ ये है श्रीराज, तो ये भी बहुत ट्राई कर रहा है, मेरे से ज़्यादा ये ट्राई कर रहा है अंदर घुसने के लिए, क्योंकि ये भी एक्साइटेड है और मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हमसे ज़्यादा तुम लोग एक्साइटेड हो। भाई हम इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, इतना स्वेट आ रहा है पूरा, मतलब इतना ट्राई करके भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है यार। एक लाइक तो बनता है, लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना यार। देख सकते हो इतने बॉम्ब बंगलों के आगे क्या है, इतना आलीशान वॉशरूम, शौचालय शौचालय। देख सकते हो इतने बड़े फैंटास्टिक और डेंजर बंगलो मेंशन पे निब्बा निब्बियों ने क्या किया है। ए आर आई लव यू सोना, व्हाट द फक इज दिस डूड। निब्बा निब्बी मतलब यहाँ पे एंटर करने को नहीं हो रहा है हमें, और यहाँ पे देखो निब्बा निब्बी ने ए आर आई लव यू सोना लिख के रखा है, मतलब हम यहाँ पे आने वाले पागल है, प्रॉपर्टी में एंटर करने वाले पागल है, और इन लोग के लिए छापे मारने के लिए प्रॉपर्टी वालों ने एक स्पेशल जगह रखी है। ये देखो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे क्या है, बम्बू के ट्री। अरे यार हमने ब्लॉक चालू किया, ऐसी कार क्यों आती है यार आवाज़ करने। हाँ तो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे बम्बू है, तो यहाँ पे पांडा भी होगा, तो जो जो लड़के आपने बायो में डालती है ना पांडा लवर, तो वो सब आ जाओ और यहाँ पे पांडा ढूंढो, यहाँ पे आके बम्बू ट्रीज है मतलब पांडा भी होगा। ये रहा हमारा पांडा, इधर क्या कर रहा है। ओ पांडा चलो। ए भाई मेरे को मारने के लिए लाया क्या। ए भाई मत भाई, यहाँ पे क्या है, मुर्गा मुर्गी 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 ए मुर्गी, अरे मुर्गी भाग गए, मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी करने आ रहे हो तो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते भी है और कुत्ते के मम्मी पापा भी है, और कुत्ते के मम्मी पापा बहुत ज्यादा डेंजर है, हमने देखा है, हम एंटर कर रहे थे खुला ही है, लेकिन वहाँ पे 10-20 कुत्ते आराम से है, मतलब ये इंसानों का घर कम और कुत्तों का घर ज्यादा है। That's it. भाई वहाँ देखो फॉर सेल, इनका प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं इनका, तो फॉर सेल देख सकते हो तुम, शो कर रहा हूँ नंबर है, किसी को लेना है ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आ जाना।
भाई ऐड के पैसे भेज देना गूगल पे पे मेरे को, इनका ऐड कर रहा हूँ भाई मैं। किसी को लेना हो तो आ सकते हैं, फॉर सेल तीन तीन चार चार पांच पांच बोर्ड लगा के रख के वीजी हाउस। डूड ये हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे थे इसलिए हम लॉग नहीं कर पाए। हमने मतलब हम वहीं पे थे, वहाँ के वॉचमैन ने भी हमें अंदर नहीं घुसने दिया और वहाँ के पुलिस ने भी नहीं घुसने दिया। तो भाई हमने बहुत ट्राई किया अंदर जाने के लिए, बहुत सारे अबेंडेंट प्लेसेस देखे, मेंशंस देखे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, हम अंदर नहीं जा सके। अभी हमने कैफ़े में बैठ के कुछ खाया और अभी आ रहे बाहर यहाँ पे। सो यहाँ पे पुलिस नहीं होती तो हम मेंशन में घुसने वाले थे। यहाँ पे बहुत मतलब बहुत कुछ कर रखा है, बहुत से लोग आते हैं कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पे। क्यों करते हैं मतलब हम जैसे घुसते हैं इसीलिए करते हैं, लेकिन भाई तुम्हें कुछ तो दिखाना था। अब जितना हो सका जितना हम अंदर जा सकते थे उतने गए, उतना हमने दिखाया, एक्सप्लोर करने की कोशिश की और अभी हम जा रहे हैं वापस। सो अभी देखते हैं हम कितना ब्लॉक कर पाते हो कितना नहीं। तो भाई हम इतना घूम रहे हैं, पूरा स्वेटी हो रहा है और मतलब ऐसा इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हें दिखाने के लिए, सिर्फ जहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे घुस रहे हैं सिर्फ हमारे एक ब्लॉक के लिए। मतलब हम पुलिस से भी मतलब भिड़ गए आज, वो मतलब हमने अनबन हुई उनके साथ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ब्लॉक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, बहुत हुआ, हमने बहुत सारे प्लेसेस मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश की लेकिन अंदर कहीं पे भी नहीं जा सके। और जो दानिश एक्सप्लोर किए थे वहाँ पे तो पूरा मतलब जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, उन प्रॉपर्टी वालों ने इतना इतना बिल्डिंग्स बना के रखा है मतलब फेमस कर दिया। भाई हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, पहले आजू बाजू देखा लेकिन फिर भी हमें पुलिस से टकराए, पुलिस से बात की, पुलिस ने हमें पूछा, फिर वॉचमैन ने हमें पूछा, मतलब हमें कुछ रिस्क लेना भी नहीं था। और अभी हम मतलब क्या है बीच में बाजू हाँ एक मिनट हाँ। तो फिर हुआ ऐसा कि भाई मतलब हमारी बाइक लेके आने वाले थे, नहीं पुलिस पकड़ लेती, लाइसेंस नहीं है हमारे पास, ऐसे ही घूमते बिना बाइक के हम लोग लाइसेंस के। तो हम इतना घूमे फिरे लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो भाई हम फिर से आएंगे और यहाँ पे टेरेस पे जाएंगे, किसी वो बड़े वाले अबेंडन प्लेस पे जाएंगे हम मेंशन में। सो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे यश पाटिल करके, तो उससे मैं बोल के रखा हूँ कि जब भी यहाँ पे पुलिस नहीं रहेगी तब हम एंटर करेंगे, जैसे ही उसका कॉल आता है हम फिर से वहाँ पे जाके एंट्री करेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। Playing.
दिस टाइम टू एंड दिस ब्लॉग, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, जो हमें करना था वो कर भी नहीं सके। हम ट्राई करेंगे कि हम और ज़रूर हम वो वाला मेंशन एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे गाइज ट्यून, होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सो गाइज ऐसे बॉम्ब ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। सी यू गाइज सून नेक्स्ट वीडियो है ना। और भाई बाकी कुछ नहीं, व्यू देखो ना तुम लोग।